सिक्का दोनों का होता है, हेड्स का भी और टेल्स का भी, कि सिक्का दोनों का होता है, हेड्स का भी और टेल्स का भी, पर जीतता वही है जो पलट कर ऊपर आता है। सो हेलो गाइस, मैं मॉडल स्क्रू, आप देख रहे हैं आपका चैनल जैसे रोटी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी 2.3 क्लास 10 थर्ड टू 1। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन, तो शुरू करते हैं बिना देर के। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, डिवाइडेंड दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, जिसको हमें डिवाइड करना है जी एक्स से। तो हम जब इसको जी एक्स से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन मिलता है x माइनस 2 और रिमाइंडर मिलता है माइनस 2x प्लस 4। तो ये जी एक्स क्या है ना, जी एक्स क्या है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। कैसे आसान सा क्वेश्चन है, देखो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, ये तो बचपन से आपको पता होगा है ना, डिवाइडेंड इक्वल टू, जब से आप किसी भी नंबर डिवाइड करते हो तो ये आपको पता होना चाहिए, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप आराम से जी एक्स निकाल सकते हो। तो देखो जी एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, डिवाइजर है ना, डिवाइजर हमारा क्या है, जी एक्स से, है ना। तो डिवाइडेंड क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 इंटू क्यूसेंट, क्यूसेंट क्या दिया है, एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, माइनस 2x प्लस 4, है ना। तो हमें क्या निकालना है, जी एक्स निकालना है। तो जी एक्स को एक साइड लिख लेते हैं, तो इधर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 है ना। तो देखो जी एक्स इंटू में क्यू इंटू में एक्स माइनस 2 था, है ना, और एक्स माइनस 2 को इधर भेज देंगे, इक्वल का इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, जी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, और इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड एक्स माइनस 2, ओके। देन इधर क्या है, प्लस माइनस 2 एक्स प्लस 4, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो जी एक्स हमारा एक साइड है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो प्लस है ना, प्लस ये वाला है ना, और ये इक्वल का इधर चला जाएगा, है ना, इक्वल का इधर, इधर क्या है, प्लस में है ना, और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या, माइनस 2x प्लस 4, है ना, ये हो गया जी एक्स, है ना। जी एक्स इक्वल टू, इसको इधर भेज दिया, इसको भी इधर भेज दिया, इस साइड भेज दिया, है ना। तो जी एक्स इक्वल टू ये है, अभी इसको सॉल्व करना है, आंसर निकल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² देन एक्स प्लस 2 देन माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, है ना, प्लस 2x देन माइनस इंटू प्लस 4 क्या, माइनस 4, मतलब देखो हम ब्रैकेट को हटा देंगे, माइनस को अंदर घुसा देंगे, ओके। तो माइनस माइनस प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 4, ओके। देन डिवाइड बाय एक्स माइनस 2, ओके। तो अभी देखो क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, देखो ऊपर वाले को सॉल्व करो, एक्स क्यूब माइनस 3x² देन देखो x और इसको मिला दो, इसको इसको कर दो, ओके। तो x प्लस 2x प्लस 3x देन प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2, है ना, डिवाइड बाय x माइनस 2, है ना, इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 2। अभी इसको x माइनस 2 डिवाइड कर लो, आंसर निकल जाएगा, जी एक्स हमारा हो जाएगा, है ना। ये हम जी एक्स इक्वल टू इधर जी एक्स चल रहा है ना, तो अब डिवाइड कर लेते हैं, तो जी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को हम डिवाइड करेंगे किससे, एक्स माइनस 2 से, एक्स माइनस 2 से। तो हमें क्या एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स को हम एक्स क्यूब कैसे बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x², है ना। तो इससे इससे माइनस होगा 0, देन माइनस 3x² से माइनस होगा माइनस 2x। तो देखो माइनस माइनस के प्लस 2x हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ माइनस x² बचेगा, देन प्लस 3x माइनस 2 वैसे ही नीचे आ जाएंगे। अभी x को हम माइनस x² कैसे बना सकते हैं, x को माइनस x² कैसे बना सकते हैं, माइनस x से मल्टीप्लाई करके, है ना, x को माइनस x से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस x² फिर माइनस 2 इंटू माइनस x या प्लस 2x, है ना। तो माइनस x² को माइनस करेंगे माइनस x², तो माइनस x² को माइनस करेंगे माइनस x, मतलब सेम नंबर है, सेम नंबर माइनस करेंगे तो क्या 0, देन प्लस 3x माइनस करेंगे 2x, तो क्या x बचेगा, देन इधर माइनस 2, है ना, x माइनस 2। अभी देखो इधर x माइनस 2 इधर x माइनस 2, तो
एक्स माइनस टू इधर है, इधर भी एक्स माइनस टू, तो हम क्या करेंगे प्लस वन है ना, प्लस वन करेंगे कर देंगे तो क्या होगा, देखो एक्स माइनस टू के नीचे देखो एक्स माइनस टू इंटू वन, क्या एक्स माइनस टू ही आएगा है ना, और एक्स माइनस टू से अगर माइनस करेंगे एक्स माइनस टू को तो क्या होगा, तो जीरो आएगा है ना। तो देखो अभी हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, और हमें यही क्वेश्चन ही चाहिए था, और यही हमारे क्या है जी एक्स है ना, जी एक्स निकालना था, यही हमारा जी एक्स है। ओके जी एक्स हमें मिल गया है ना, अभी हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं।